सीहोर के आष्टा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पार्टी की तरफ से आयोजित धरने में शिरकत की। धरना हाथरस कांड, फसल बीमा, किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से पारित कानून, इसे लेकर था। इसे संबोधित करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने अन्य हजारे और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल निर्भया कांड पर तो खूब बोले, लेकिन आज ऐसे 50 केस हैं, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल मौन हैं। मर्यादा की भाषा भी वो लांघ गए। खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर में ड्रग्स सप्लाई के मामले में भिलाई में ड्रग्स लेने वालों की एक लिस्ट सामने आई है। जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, लगातार ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ये लिस्ट लंबी है। भिलाई के छात्र इसमें शामिल हैं, व्यापारियों के नाम इसमें शामिल हैं। तकरीबन 100 छात्र और 50 व्यापारियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ पर ये लोग पार्टी किया करते थे और ड्रग्स लिया करते थे। और अगली खबर भी रायपुर से ही। नशीले सिरप के साथ दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लाभांडी से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 69 बोतल नशीली सिरप इनके पास से बरामद की गई है। तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर रायसेन में 485 पेटी शराब जब्त की गई है। शराब से भरा एक ट्रक ही पकड़ा गया है। 4,350 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। भोपाल से विदिशा ये ट्रक जा रहा था और उसी दौरान सांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 485 पेटी शराब जब्त की गई है। दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और सांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। चेकिंग के दौरान शराब से भरा ये ट्रक पकड़ाया है। 485 पेटी शराब यानी तकरीबन 4,350 लीटर विदेशी शराब। भोपाल से विदिशा जाने के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। और आखिर में चलते चलते जरूर सुनिए किशोर कुमार यानी खंडवा का एक ऐसा सितारा जो बॉलीवुड का ध्रुव तारा बनकर चमका। हिंदी सिनेमा का वो फनकार जिसकी आवाज का जादू कुछ ऐसा छाया जिसे सुनकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदहोश कर देने वाली आवाज के जादूगर किशोर कुमार की। किशोर कुमार ने बॉलीवुड में अपनी गायकी से लेकर अदाकारी तक के सफर में ऐसा मुकाम बनाया जो दूसरों के लिए महज एक सपना ही है। किशोर कुमार के फिल्मी सफर की गाड़ी एक बार चल निकली तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राकेश रोशन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अनेकों कलाकारों को उन्होंने अपनी आवाज दी। उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो जिस व्यक्ति को देते थे उसको वो एब्जॉर्व कर लेते थे। वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या देवानंद जी हो, राजेश खन्ना हो, जिसके लिए भी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो हीरो खुद गा रहे हैं। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी जो किसी फिल्म सिनेमा के किसी भी कलाकार में नहीं थी। किशोर कुमार माया नगरी को छोड़ अपना आखिरी वक्त खंडवा की उन गलियों में बिताना चाहते थे जहां उनका बचपन बीता। वो हमेशा कहा करते, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। 1987 की दीपावली मनाने वो खंडवा भी आना चाहते थे। उन्होंने अपने खंडवा के पैतृक मकान के चौकीदार सीताराम को घर को साफ सुथरा करने को कहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 की शाम वो हम सबको छोड़कर चले गए और उनका खंडवा में बसने का सपना उनके साथ चल गया। बॉलीवुड में किशोर कुमार का एक प्रसिद्ध जुमला हुआ करता था, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवे में बस जाएंगे। 90 के दशक में जब किशोर कुमार का बॉलीवुड से मोह भंग हो गया तब
तो अपने खंडवा में पैतृक मकान में बस जाना चाहते थे और अपने उन पुराने दिनों को जीना चाहते थे जो अपने दोस्त यारों के साथ उन्होंने जिया था। लेकिन अफसोस कि शायद काल को कुछ और ही मंजूर था और किशोर कुमार का ये सपना पूरा नहीं हो सका। हरेंद्र ठाकुर, न्यूज 18 खंडवा।